लखनऊ पुलिस ने किया अनिल यादव हत्याकांड का खुलासा। हत्या के आरोपी सहकर्मी संजय चौहान को किया गिरफ्तार। उधार के पैसे मांगने पर शराब पिलाकर की थी हत्या। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में हुए डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 31 दिसंबर की रात से लापता थे दोनों युवक। अलग अलग जगहों पर मिला शव। गाजियाबाद के लोनी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा लुटेरा। वाहन चेकिंग के वक्त बदमाश ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। आरोपी पर दर्ज है लूट स्नैचिंग समेत 10 से ज्यादा मुकदमे। इटावा के सिविल लाइन इलाके में जेल से छूटकर एक शख्स ने दोस्त को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। सैफाई पीजीआई रेफर। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बरेली में धन परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती ने युवक पर जबरन धन परिवर्तन का आरोप लगाया। युवती ने 11 साल तक बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया है। अमरोहा पुलिस ने पेशेवर अपराधी राशिद को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर घोषणा की। गोकशी का आरोपी है राशिद। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कांग्रेस पर तंज। भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि पूरी तरह टूट चुकी है कांग्रेस। पार्टी जोड़ने के लिए राहुल निकाल रहे हैं यात्रा। औरैया पुलिस और एसओजी की टीम ने 7 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का प्लान बनाते वक्त पकड़े गए चोर। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में बेटे की चाह में पिता बना अपहरणकर्ता। घर के बाहर खेल रहे बच्चे का अपहरण करने वाला गिरफ्तार। आगरा का रहने वाला है आरोपी। और वहीं उन्नाव में युवक का जला शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटे। लखनऊ में पश्चिमी जोन के थाना पारा और ठाकुरगंज में शातिर चोर गिरफ्तार। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने किया खुलासा। रुद्रपुर में सड़क से बाइक हटाने को लेकर फायर झोंकने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। मुख्य आरोपी हरमन सिंह से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा बरामद किया। आरोपी पर पहले भी फायरिंग करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा में पिकअप ने छात्र की स्कूटी को मारी टक्कर। पिकअप चालक छात्र को छोड़कर मौके से हुआ फरार। आसपास के लोगों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया। श्रावस्ती में वन विभाग की रेंजर की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत। घर में घायल मिले रेंजर और उनका नौकर। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। औरैया में बीच सड़क पर पलटा तेज रफ्तार टेम्पो। हादसे में महिला सिपाही घायल और अस्पताल में करवाया भर्ती। कुत्ते को बचाने के चलते हुआ हादसा। बिजनौर के शेखान इलाके में हुआ हादसा। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से अफरा तफरी। मलबे में दबे एक शख्स की हुई मौत। 3 की हालत गंभीर। अमरोहा में मोबाइल धमाके से हड़कंप। फोन पर बात करते वक्त अचानक धमाके से दहशत। शख्स ने 4 महीने पहले खरीदा था मोबाइल फोन। हाथरस में मंत्री असीम अरुण ने अंबेडकर पार्क के सौंदर्यकरण कार्य का लोकार्पण किया। यूपी के कानून व्यवस्था और फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट की खूबियां भी गिनाई। अमित शाह के राम मंदिर वाले बयान पर कांग्रेस का तंज। नकुल दुबे ने कहा कि हमारे धर्म का सवाल है, मीडिया या फिर राजनीति का नहीं होना चाहिए। यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी उठाए सवाल। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया। देखी व्यवस्थाएं। जिलाधिकारी ने स्वच्छता का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं। साल 2022 में गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर के 100 मामले दर्ज करके रिकॉर्ड बनाया। 400 से ज्यादा माफिया पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई है। सपा नेता से माफिया बने जवाहर यादव की करीब 416 करोड़ की संपत्ति को कुर्क भी किया गया। बरेली में फिर गर्जा। विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। कॉलोनी में बने साइट ऑफिस पर चला बुलडोजर। सहारनपुर में धूमधाम से मनाई गई सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी की जयंती। मां भगवती को 56 भोग और 36 व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ रही। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा पर ट्रस्ट का फैसला। मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा के लिए कलाकारों की टीम पर काम पर लगी। जल्द फाइनल की जाएगी प्रतिमा। कंझावाला कांड के 7वें आरोपी अंकुश को दिल्ली पुलिस आज रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक अंकुश ने ही वारदात के बाद आरोपियों को बचाने का षड्यंत्र रचा था। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह ने पुरानी पेंशन स्कीम को बताया बेतुका। भाजपा बोली राजनीतिक जमीन बचाने के लिए देश के भविष्य से खेल रही है कांग्रेस। बिहार में आज से जातीय जनगणना का काम शुरू। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, दूसरे में जातियों की गिनती होगी और इसमें लोगों से उनकी जाति उपजाति धर्म के बारे में पूछा जाएगा।
गृहमंत्री अमित शाह आज झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे झारखंड के चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में एक जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देंगे डिजिटल इंडिया पुरस्कार। सरकारी संस्थाओं को नई और नायाब पहलों के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे नया डाक टिकट। विदेश में रोजगार के लिए जाने वालों के खातिर देंगे संदेश, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़ा फेरबदल। 14 डीआईजी, 6 एसएसपी समेत 74 अधिकारियों के हुए तबादले। सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, बारामूला, बांदीपोरा और कुलगाम के पुलिस प्रमुख बदले गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिंदे गुट के विधायक योगेश कदम की कार हादसे का शिकार। तेज रफ्तार टैंकर ने मारी टक्कर। विधायक सुरक्षित, ड्राइवर को आई मामूली चोट। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। झारखंड के दुमका में पूर्व झानो मेडिकल कॉलेज परिसर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में महिला पर हेलमेट से हमला। बाइक पर बैठने से इनकार करने पर नशे में धुत शख्स ने वार कर दिया। ऑटो वाले से भी भिड़ा आरोपी और आरोपी महिला का पड़ोसी। दिल्ली के धौलाकुआं में झुग्गियों को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने चिपकाया नोटिस। झुग्गियों में रहने वाले लोगों में दहशत। दशकों से रह रहे हैं लोग। युद्धग्रस्त अफ्रीकी देश सूडान में भारतीय महिला सैनिकों की होगी तैनाती। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का हिस्सा होगी ये महिला सैनिकों की टुकड़ी। भारतीय नारी शक्ति की भागीदारी की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। दिल्ली में ठंड और कोहरे के कहर। तापमान 2.2 डिग्री तक गिरा। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम। उत्तर रेलवे की 32 ट्रेनें हुई लेट। कश्मीर की घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा बंद हो गया। इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड समय के लिए खुला रहा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग। 6 सप्ताह में 13,500 वाहन पार हुए। भारत श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। राजकोट पहुंचने पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ। मैच से पहले जोश बढ़ाने के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। शाहरुख खान की फिल्म पठान के सपोर्ट में आया फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ट्रेन एम्प्लॉय। सरकार से मांग की बंद हो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेन। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।